पद्धति की तरफ जो आज की डेट की रीसेंट मोस्ट एडवांसमेंट है, इसको कहते हैं आर्थ्रोस्कोपी या तो दूरबीन की सर्जरी। पहले ये माना जाता था कि दूरबीन की सर्जरी एक शैम सर्जरी है और ये सर्जरी आपके घुटने में दर्द या घुटने में घिसारे को लंबे समय तक ठीक नहीं कर पाएगी, परंतु समय के साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर्थ्रोस्कोपी डिसिप्लिन में हुआ है उससे ये पूरी की पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है। आज की डेट में आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरी घुटने के पुराने दर्द में और घुटने के घिसारे में एक प्रूवन थेरेपी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आर्थ्रोस्कोपी घुटने के घिसारे में कब दी जा सकती है। अर्ली फेज में, शुरुआती स्टेज में, अगर घुटने का घिसारा है और घुटने में कार्टिलेज का लॉस हुआ है, जिसको हमारी भाषा में लोकलाइज्ड कॉन्ड्रल लॉस बोलते हैं, उन मरीजों में आर्थ्रोस्कोपी ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को गादी में इंजरी है, गादी फट गई है, उन मरीजों में भी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके गादी को रिपेयर करके आप घुटने की आयु को बढ़ा सकते हैं। जो सबसे रीसेंट एडवांसमेंट आया है वो आया है मेनिस्कस रूट रिपेयर की सर्जरी में। अब मेनिस्कस रूट रिपेयर क्या है ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको घुटने में पुराना दर्द है और घुटने में घिसारा शुरू हुआ है तो ऐसा बहुत चांसेस हैं कि आपके घुटने में मेनिस्कस रूट टेयर होगा। इसका अभिप्राय ये है कि घुटने की जो गादी है वो पीछे की साइड से फट जाती है और आपके घुटने की गादी निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण पूरा का पूरा लोड आपके घुटने पे आ जाता है जो घुटने में घिसारे का कारण बन सकता है। तो अगर आपको मेनिस्कस रूट टेयर है तो मेनिस्कस रूट रिपेयर की सर्जरी करके हम घुटने में घिसारे को रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज की डेट में सेलेक्टेड पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपी की पद्धति घुटने में दर्द का और घुटने में घिसारे का एक प्रूवन इलाज बनती जा रही है। साथ ही साथ दूरबीन की पद्धति से लिगामेंट की तकलीफ और कार्टिलेज की तकलीफ को भी ठीक किया जा सकता है जो कि आपके घुटने में घिसारे का कारण हो सकती है। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी अर्ली फेज में, अगर आपको बहुत ज़्यादा घिसारा नहीं हुआ है, उस स्टेज में काम आएगी और आपको लाभ देगी। तो आप आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में अर्ली फेज में, शुरुआती दौर में सोच सकते हैं और ये आपको आराम दे सकती है। एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपको मीडियल मेनिस्कस टेयर आ रहा है, गादी में इंजरी आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर्स को ये रिक्वेस्ट करें कि वो गादी को निकाले नहीं बल्कि गादी को रिपेयर करने का, गादी को टाँके लेके रिपेयर करने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर हम गादी को रिपेयर करेंगे तो ही आपके घुटने का घिसारा बच पाएगा, तो ही आपके घुटने का दर्द कम हो पाएगा। अगर गादी को हम निकाल देते हैं, जिसको मेनिसेक्टमी की सर्जरी बोलते हैं, तो आपको उतना अच्छा आराम नहीं आ पाएगा।